أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعمته ومغفراته وجنة الحلال ودوزخ الحرام True Islamic Info की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह अल कलम आयत नंबर 51 मजनून इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने नजर बद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कुफार का बस नहीं चलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी निगाहों से अपनी नजर से फिसला देते और कहते कि यह सिर्फ मजनून है, क्योंकि कुफार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा हसद, बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करते थे। उनका यह कहना था कि हम भी तो अरब के हैं, हम इतने अमीर हैं, तो अल्लाह ने हमसे कलाम क्यों नहीं किया, हम पे कोई किताब क्यों नहीं उतरी, हमारे लिए कोई मजहब क्यों नहीं उतरा। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी हसद का, इसी नज़र का जिक्र सूरह अल कलम आयत नंबर 51 में भी अल्लाह पाक ने खुद किया। अजीज दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नजर बद किसी भी खूबसूरत इंसान को, किसी भी बहुत प्यारे इंसान को बदसूरती के आखिरी मुकाम तक पहुंचा सकती है। हजरत इस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके घर में एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे के ऊपर स्याह रंग के निशानात और दाने आ चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्ची के ऊपर दम करो, इस बच्ची के चेहरे पे दम करो, क्योंकि इस बच्ची के ऊपर नजर बद का वार मौजूद है। और अजीज दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस बच्ची के ऊपर जिन्नाती नजर बद का वार मौजूद था। तो इसी हदीस से, इसी रिवायत से पता चला कि किसी का खूबसूरत चेहरा नजर बद की वजह से बदसूरत हो सकता है। और अजीज दोस्तों, अगर आप अपना चेहरा सुर्ख सफ़ेद अगर अपना चेहरा चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो हम अमल आपको देंगे, ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आपका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। याद रखें, नजर बद सिर्फ चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर वार नहीं करती। हमने नजर बद की वजह से लोगों की शादियाँ, जिस शादी के अंदर हस्बैंड और वाइफ के अंदर बहुत प्यार था, हमने अपनी आंखों से उनके अंदर जुदाई, तलाक होते देखी है। यानी कि पहले तो शोहर और बीवी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से वो प्यार नफरत में बदल गया और वो नफरत तलाक पे जाके ख़त्म हुई। अब हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां क्या करती हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया, मेरे शोहर तो इतने अच्छे हैं, मेरी सास इतनी अच्छी है, हमने आज ये खाया, हम आज यहाँ गए, आज हमने ये पहना। तो सुनने वाला ज़रूरी नहीं कि हमेशा हसद ना करे, बाज़ दफ़ा हसद करना शुरू करता है, हाय इसका शोहर कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा खाती है, कितना अच्छा खाता है, काश ये फैमिली मेरी होती। तो अज़ीज़ दोस्तों, नजर बद लग जाती है, और वही रिश्ता जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार था, पल भर के अंदर अंदर वो प्यार नफरत में बदल जाता है। अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद हो जाए, तो ये अमल आप ज़रूर करें। अमल कुछ यूँ हैं कि आपने आलू और चुकंदर का जूस निकालना है, यानी कि आप उनको छोटा छोटा बारीक बारीक पीस लें, या कद्दूकश कर लें और उसके अंदर से उनका पानी निकाल लें। उन दोनों के पानी को अच्छी तरह से मिक्स करें और 3 चम्मच अड़के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर भी मिला लें। उसके बाद इस पानी को आइस क्यूब्स के अंदर लगा दें और इसको फ्रीज़र में रख दें। डेली रात सोने से पहले या एक दिन छोड़ के रात सोने से पहले आपने एक क्यूब निकालनी है और उसकी मसाज अपने चेहरे पे करना शुरू कर दें। जब वो क्यूब मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो जाए, यानी कि आपके चेहरे पे लग जाए, और 1 से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दें। जब वो सूख जाए तो अपना चेहरा वॉश कर लें और कोई भी लोशन या क्रीम लगा लें, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा ये दम बिस्मिल्लाही अर्की का मिन कुल्ली शैइन यूज़ी का मिन हासदी हासिदिन व मिन कुल्ली अनिल्लाहु यशफी का, ये दम 3 मरतबा पढ़ें
और तीन मरतबा ये आयत वाइया का दुल्ला जीना काफरू लयुजली कूना का भी अबसारिहिम लम्मा सामियो जिक्रा वयकुलूना इन्नाहुल्ला मजनून। ये आयत तीन मरतबा पढ़ लें, उसके बाद तीन मरतबा सूरह नूर आयत नंबर 35 का छोटा सा हिस्सा अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द पढ़ लें। आखिर में फिर से तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और दोनों हाथों के ऊपर थू-थू करें, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए या नमी वाली फूक हो। उन दोनों हाथों को अपने चेहरे पे अपने जिस्म पे फेर लें, इंशाल्लाह अपने चेहरों को आप सुर्ख और सफ़ेद होता खुद देखेंगे। और अगर आपके ऊपर नजर बद का भी वार मौजूद था, अल्लाह पाक के हुक्म से वो वार टूटेगा और आपका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद बहुत जल्द होगा। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की बीमारी, किसी की मुसीबत दूर होगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे हसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت